हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने AFS ग्राफिक यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को पता होगा कि अभी अभी नया चैनल ओपन किया है, जिसमें से सेकंड वीडियो ही है जो मैंने अपलोड किया। अभी पहले वीडियो में तो मैंने प्रोवाइड किया था, उसमें था कि वीडियोस के बहुत सारे बैकग्राउंड्स थे, जो कि फ़ोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स और बहुत सारे वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर जो रहते हैं उसमें यूज़फुल होने वाले थे। उसके साथ ही मैंने उसमें प्रोवाइड किया था बहुत सारे बैकग्राउंड्स थे, JPEG बैकग्राउंड्स थे और मराठी फॉन्ट्स थे। अगर किसी ने वो वीडियो देखा नहीं है तो आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया है। अभी बात करते हैं आज के वीडियो की। आज के वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड किया है फेस्टिवल, इंडियन फेस्टिवल जो रहते हैं उसमें से पूरे 100 फेस्टिवल के ओपन फाइल है, जिसके आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ये 100 फेस्टिवल का पूरा फाइल से, PSD फाइल से, यहाँ पे आप देख सकते हो 200 आइटम से, मतलब 100 JPEG इमेज है, 100 ओपन फाइल है PSD फाइल, पूरे इंडियन फेस्टिवल से, मराठी फेस्टिवल्स भी है। उसके बाद दूसरा फोल्डर है 200 प्लस बैकग्राउंड्स का, जिसमें टेक्सचर और बहुत सारे बैकग्राउंड्स आते हैं। उसके बाद तीसरा फोल्डर है ये पैक में मराठी फॉन्ट, जिसके पास मराठी फॉन्ट्स नहीं है तो मैंने 1400 प्लस मराठी फॉन्ट भी प्रोवाइड किए हैं। तो अभी देखते हैं कि ये जो 100 PSD ओपन फाइल से वो आप यूज़ में कैसे ला सकते हो, रिवर्क कैसे कर सकते हो, अपना टाइम कैसे बचा सकते हो। तो मैं एक दो फाइल्स आपको ओपन करके उसमें रिवर्क करके बता देता हूँ, क्योंकि पूरे फाइल तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक हाथ दो फाइल्स मैं आपको दे देता हूँ ओपन करके, जैसे कि मैंने पहले से ओपन फाइल करके रखा है, जिसमें कि ये अक्षय तृतीया का है, जिसमें आप देखो ये अलग लेयर पे है, ये अलग लेयर पे है, ये अलग लेयर पे है, पूरा ओपन फाइल है। अगर आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो ये बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, जैसे कि बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आए। ये देखो, अगर आपको बैकग्राउंड में और कुछ एडिशनल करना है तो ये बैकग्राउंड दूसरा फाइल है, जो कि बैकग्राउंड के फोल्डर में से मैंने उठाया है, वो आप यहाँ पे लाके प्लेस कर सकते हो। ये देखो, ये तो मैं ऐसे आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, आप इससे भी बढ़िया डिज़ाइन बना सकते हो। अभी टाइम नहीं है तो मैं आपको एक रैंडमली बता देता हूँ कि आप कैसे रिवर्क कर सकते हो। ये जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है फाइल, इसका ओपेसिटी आप यहाँ से कम कर सकते हो, ये देखो ओपेसिटी कम कर सकते हो। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। देखो ये अच्छा लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब ओपन फाइल है, आप इस प्रकार से कम टाइम में इसको एडिट करके क्लाइंट को जल्दी से जल्दी भेज सकते हो, बहुत यूज़फुल फाइल है ये। दूसरा फाइल भी तो यहाँ पे दिवाली का दूसरा फाइल मैंने ओपन किया है, इसमें भी आप सब आपको अलग अलग लेयर पे दिखाई देगा। ये देखो बैकग्राउंड अलग लेयर पे, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो, कंट्रोल यू कीजिए, सैचुरेशन में जाके यू चेंज कीजिए। ये देखो कलर चेंज हो रहा है, सैचुरेशन बढ़ रहा है, डार्क करो। तो कहने का मतलब इतना ही है कि ये सब फाइल्स जो है आप एडिटेबल फाइल्स है, सब फाइल एडिटेबल है, आप इसको एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से, फ़ोटो चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड के लिए मैंने बैकग्राउंड प्रोवाइड किए आपको, 200 प्लस बैकग्राउंड्स है, ये बैकग्राउंड आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए। या फिर मराठी फॉन्ट्स भी मैंने आपको दे दिए हैं, जिसके पास मराठी फॉन्ट्स नहीं है तो मराठी फॉन्ट भी मैंने आपको दे दिए, 1400 प्लस मराठी फॉन्ट है। अगर किसी को इंस्टॉल करने के लिए दिक्कत आ रही है तो वो भी बता देता हूँ कि कैसे इंस्टॉल कर देते हैं। कंट्रोल ए कीजिए, सब फॉन्ट सेलेक्ट हो गए, उसके बाद राइट क्लिक कीजिए और इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। मैं तो फिलहाल नहीं कर रहा हूँ इंस्टॉल, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है फॉन्ट। ठीक है, तो ये सब फॉन्ट इंस्टॉल करने के बाद फिर से रिस्टार्ट करो, स्टार्ट करो, उसके बाद फोटोशॉप ओपन करो, तो फॉन्ट आपको वो यहाँ पे दिख जाएंगे, विंडो कैरेक्टर, कैरेक्टर का विंडो, यहाँ पे सब फॉन्ट जो है वो आ जाएंगे, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे फॉन्ट्स हैं तो यहाँ पे आप उसे चेक कर सकते हो।
ठीक है। तो ये वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ 100 बेस्ट FLPS ओपन फाइल, 200 प्लस बैकग्राउंड्स, 1400 प्लस मराठी फॉन्ट्स। किसी किसी को एक पैक चाहिए, इंटरेस्टेड हो तो मैंने उसका पूरा डिटेल्स और प्रोसीजर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आप देख सकते हो। और आई एम श्योर कि ये जो पैक है बहुत टाइम बचाने वाला और बहुत इम्प्रेसिव ऐसा पैक है। बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों को, ग्राफिक डिज़ाइनर लोगों को, DTP आर्टिस्ट को इसकी ज़रूरत लगती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करो, किसी ना किसी को तो ये यूज़फुल होने ही वाला है, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में तो मैं बहुत सारे स्टॉक या सारे वीडियोज़, ओपन फाइल्स और बहुत सारे फॉन्ट्स और अलग अलग टेम्पलेट्स वगैरह लेके आने ही वाला हूँ। अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।